प्लस प्लस लेट पहुंच रहे हो ना, 12 मिनट्स, 10 मिनट्स, 12 मिनट ना, तो टी प्लस 12/60, टी प्लस 12 मिनट्स लेट यू आर रीचिंग ना, सो टाइम टेकिंग हाउ मच, टी प्लस 12, और उसको आवर्स में कन्वर्ट करना है तो 12/60, वहां पे 60 नहीं रखना है, 10 इंटू ब्रैकेट में टी प्लस, आप टाइम कितना ले रहे थे, हाउ मच टाइम यू आर टेकिंग, पहले आपने 10 किलोमीटर पर आवर से निकले, लेकिन टाइम क्या लिया आपने, पहले यूजुअल टाइम टी था, एक्चुअल टाइम पहुंचने का क्या है, आपको सपोज करना होगा टी, बट यू लेट रीच्ड 12 मिनट्स लेट, तो 12 मिनट को 12 तो नहीं लिखेंगे, टी प्लस 12, इसको आई विल कन्वर्ट इनटू आवर्स, 12/60, एंड नेक्स्ट डे ही मूव्ड विद 12 किलोमीटर पर आवर, एंड देन ही रीच्ड, आई सेड दैट 10 मिनट्स अर्ली, ये बोला था ना, क्या बोला था मैंने, 12 या 10, किसमें क्या बोला था मैंने, मुझे ध्यान नहीं है, 10 मिनट्स अर्ली, अंडरस्टूड इट, तो अर्ली का मतलब क्या हो गया, टी माइनस 10/60, सो इट बिकम 10 टी प्लस, आप क्या करोगे इसको, काट दिया 1/5, सो 10 इंटू 1/5, 12 टी माइनस 12 इंटू 1/6, कैंसिल आउट टू, सो 10 टी प्लस 2, यहां पे क्या कट के बचा 2, एंड देयर इट इज इन 12 टी माइनस 2, तो यू हैव टेकन दिस साइड, आई सेड दैट 12 टी माइनस 10 टी, आप टी को इधर ले आए, एंड माइनस 2 इट कम दिस साइड, तो प्लस 2 और प्लस 2 बिकम 4 आवर्स, सो 2t = 4 आवर, देन t = 2 आवर्स, ठीक है, निकला आपका, तो यूजुअल टाइम इज 2 आवर्स, लेकिन आप लेट जब पहुंच रहे थे तो 2 आवर 12 मिनट्स, एंड जब अर्ली पहुंच रहे थे 2 आवर 20 मिनट, 1 आवर 50 मिनट्स, 10 मिनट्स अर्ली, इज इट ओके, ये फटाफट हो जाएगा यदि आपका कैलकुलेशन अच्छा होता जाता है, यू कैन डू इट, इट्स इन अ वेरी इजी थिंग, लेकिन बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़कर आ जाते हैं कि क्या है यूजुअल टाइम, क्या है ये सारी चीजें, द नेक्स्ट वन आई सेड दैट डिस्टेंस किसमें रखेंगे, S1 T1, और यू कैन टेक S2 T2, S1 T1, S1 इज आई सेड दैट 10, एंड 2 प्लस 1/5, मैं ये डायरेक्ट ले लू, 10 5 2 10 11 upon 5 5 2 22 किलोमीटर, एंड यू कैन टेक इन द सेकेंड इक्वेशन आल्सो, S2 T2 में भी रखोगे इट विल कम आउट व्हाट, 22 किलोमीटर, देयरफॉर बोथ आर इक्वल ना, डिस्टेंस इज कॉन्स्टेंट ना, अंडरस्टूड इट, सो आई एम मूविंग टुवर्ड्स द अनदर, सो वी हैव डन व्हाट, व्हेन द टाइम इज कॉन्स्टेंट, d1/d2 = s1/s2, व्हेन द स्पीड इज कॉन्स्टेंट, d1/d2 = t1/t2, एंड व्हेन द डिस्टेंस इज कॉन्स्टेंट, आई सेड s1 t1 = s2 t2, अंडरस्टूड इट, नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू सी एवरेज स्पीड, आप लोग सभी लोग एलसीएम पे अच्छे हैं ना, चलो एवरेज स्पीड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड, आई सेड दैट इट इज इन अ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, अभी जो मैं आपको दिखा रहा था आपको याद हो, d1 + d2 + t1 + t2, इज इट ओके, एवरेज स्पीड, सो d1 + d2 + d3 + d4 ...
T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 डॉट डॉट जितने भी रहे, चलो राइट डाउन द क्वेश्चन. चलो D4 तक नहीं, इट कैन गो एनीवेयर, इज इट ओके? अ पर्सन मूव्ड 10 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड रीच्ड गेटवे ऑफ इंडिया, सॉरी इंडिया गेट लिख लो, इंडिया गेट एंड रीच्ड इंडिया गेट एंड देयर he did exercise for 1 hour, there he did exercise for 1 hour thereafter he moved to his friend's house in South Delhi ट्वेंटी किलोमीटर in 3 hours thereafter he returned back his home ट्वेंटी किलोमीटर in 4 hours then find out the average speed of the journey. Do it fast, don't take time. फटाफट करो, 10 किलोमीटर. कितना टाइम लिया इस टाइम में, फर्स्ट फर्स्ट जर्नी में, फिर 3 आवर, देयर आफ्टर एंड टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, अपने घर कितने देर में लौटा था, 4 आवर्स में. ठीक है, दिस इज रॉन्ग आंसर. आप कहीं नहीं मूव कर रहे हो वो भी टाइम इंक्लूड करना. आई हैव टॉक्ड अबाउट एवरेज स्पीड, अंडरस्टूड? एंड एवरेज स्पीड में पूरी जर्नी की निकाली जाती है. एंड व्हेन यू आर ईटिंग समथिंग, वेटिंग समथिंग, आप दिल्ली से मद्रास निकले, कहीं बीच में 4 घंटा सोए, 8 घंटा सोए, इवन देन ऑल दिस टाइम पीरियड विल बी ऑल्सो इन काउंट. अंडरस्टूड? सो द एवरेज स्पीड इज इंक्लूडिंग ऑल. सो फर्स्ट आपने कितना डिस्टेंस मूव किया था, टेल मी, 10 किलोमीटर्स एंड द टाइम टेकन इज, टेल मी, 1 आवर. तुम मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहते हो क्या, 2 आवर्स एंड देन देयर आफ्टर. So 0 kilometer na, that time you travel and you have taken 1, that time distance traveled is 0. Thereafter you move 20 kilometer and reach your friend's house, then you return back your house 4 kilometers. So what is the total? 50 upon 10, cancel out, 5 kilometer per hour is the what? Average speed of the journey. क्लियर है? तो इसमें ध्यान में रखना, इफ यू आर डूइंग मस्ती इन बिटवीन दैट इज अ जीरो डिस्टेंस बट टाइम विल बी इन काउंट. यही बच्चे नहीं जानते. क्लियर?
राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज क्लियर ना? दिस इज क्लियर ना? अच्छा कहीं टाइम, इफ यू डोंट नो द टाइम हाउ टू फाइंड आउट द टाइम? इफ द डिस्टेंस इज एंड स्पीड इज गिवन, कैन यू फाइंड आउट द टाइम? टाइम इज, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. एंड इन दिस क्वेश्चन टाइम विल नॉट बी गिवन, यू हैव टू फाइंड आउट द टाइम. एवरेज स्पीड ही निकालना है, बट फॉर एवरी डिस्टेंस यू हैव टू फाइंड आउट द व्हाट? टाइम. अंडरस्टूड इट? राइट डाउन. What is the average? What is the average speed formula? D1 plus D2 plus D3 and all upon T1 plus T2 plus T3 and all. Okay, so write down. आपको distance and time हमेशा ध्यान में रखना. You have to always give concern to the distance and time. A portion moved 200 kilometer with 50 kilometer per hour. Time पता चल गया? What is the time taken? 4 hours. And what is the distance covered? 200 kilometer first journey mein. Aur kaise pata chalega? D1 upon S1, first distance upon this one. Karte bhi chale saath mein question. Yadi mujhse zyada se zyada learn karna chahte ho to keep on doing. And thereafter he moved. Thereafter he moved 300 kilometer with 100 kilometer per hour. In between, he stopped for lunch for 1 hour. Lunch for 1 hour and thereafter again he started his journey and he moved 200 kilometer with a speed of 200 kilometer per hour. With a speed of 200 kilometer per hour, then find out the average speed of the journey. टोटल टाइम कितना होगा? 9 आवर हो रहा है क्या? 10 नहीं हुआ क्या? 1 घंटा रोका था मैंने. दो घंटा रोक दो फिर. मैं चाहता हूं कि आपका कैलकुलेशन इजी हो. 2 घंटा ही वॉज स्टॉप फॉर, ही स्टॉप फॉर